पिछले कुछ दिनों से देश में समलैंगिकता का मुद्दा बड़े ही चर्चा में बना हुआ है। इसी बीच समलैंगिकता के तनाव में एक युवती ने आत्महत्या कर ली है। ये दिल दहला देने वाला मामला नागपुर से ही है। दरअसल लड़की के परिवार ने उसकी समलैंगिकता का विरोध किया, इसी वजह से युवती ने यह खौफनाक कदम उठाया। यह घटना गिट्टी खदान इलाके में हुई है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी मच गई है। सुसाइड का यह इतना बड़ा कदम उठाने से पहले युवती ने सुसाइड नोट लिखकर इसकी पुष्टि भी की। आपको बता दें कि इस बारे में सुसाइड नोट के जरिए चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बीए की सेकेंड ईयर की पढ़ाई के दौरान युवती ने अपनी परिवार को बताया कि उसकी समलैंगिक प्रवृत्ति है और वो समलैंगिक है, लेकिन परिवार ने इसका विरोध किया और उसकी शादी के लिए लड़की की तलाश शुरू कर दी। इसी वजह से युवती ने अपने ही घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक युवती के पिता केंद्र सरकार के एक विभाग में कार्यरत है और मूल रूप से उत्तर भारत के रहने वाले है। बता दें कि वह अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ काटोल मार्ग स्थित एक कॉलोनी में रहती थी। रविवार दोपहर युवती के माता पिता और भाई बाहर गए हुए थे। इसी दौरान उसने नायलॉन की रस्सी से पंखे से फांसी लगा ली। जब माता पिता घर आए तो उन्होंने अपनी बेटी को फंदे पर लटका पाया। वे तुरंत उसे मेयो अस्पताल ले गए। हालांकि डॉक्टरों ने जांच के बाद युवती को मृत घोषित कर दिया। सुसाइड का यह इतना बड़ा कदम उठाने से पहले युवती ने एक सुसाइड नोट भी लिखा था। लेटर में लिखा था कि लेस्बियन होने के नाते परिवार और समाज इसके खिलाफ है। उसने पत्र में कहा कि वह ये कदम इसलिए उठा रही है क्योंकि वह अपनी मर्जी से नहीं जी पा रही है। उसने अपने किए के लिए अपने माता पिता से माफी भी मांगी। युवती ने यह भी लिखा कि अगर मैंने शादी की होती तो मैं उस लड़के के साथ अच्छी जिंदगी नहीं जी पाती और वो कभी भी खुश नहीं रह पाता। दिनांक 7 मई रोजी गिट्टी खदान पोलीस स्टेशनला खबर मिळाली होती कि तन्नू कृष्णकुमार वय वर्ष 18 ही तिच्या राहत्या घरी घराच्या छताच्या पंख्याला नायलॉन दोरीच्या सहाय्याने तिनं आत्महत्या केलेली होती। तर त्याबाबत आपले पोलीस घटनास्थळी गेले होते। तर त्या ठिकाणी तन्नू कृष्णकुमार यांनी एक सुसाईड नोट लिहून ठेवलेली दिसून आली। तर त्यामध्ये तिने कबूल केलेलं आहे की ती एक लेस्बियन होती आणि यामुळे तिच्या मनामध्ये अपराधीपणाची भावना निर्माण झाली होती। त्या अपराधीपणाच्या भावनेतून तिनं ते सुसाईड केल्याचं तिच्या सुसाईड नोटवरून दिसून येतं। याबाबतीत तिचे पोस्टमॉर्टम झालेले आहे आणि पुढील तपास आपण करीत आहोत। NBC न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षा अंसारी की रिपोर्ट।